There's literally nobody to guide them. Yes. Abhi recently I did this play for Hum TV. So there was this actor, वो social media पे बहुत hit है वो बच्चा. तो बच्चा तो खैर नहीं है, बट खैर. सो आई लिटरली ट्रीटेड हिम लाइक अ यंगर ब्रदर. कैरेक्टर भी यंगर ब्रदर का प्ले कर रहा था. सो आई लिटरली एंड वी जस्ट हिट इट ऑफ लाइक दिस. हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई ना. तो उसने कहा यार आप बड़ा अच्छा गाइड करते हैं. मैंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मुझे तुझे ये कहना चाहिए कि यार तू रिहर्स किया कर लाइंस, कोई किसी और के साथ भी सीन हो तो मेरे साथ कर लिया कर, इस तरह कर, इस तरह कर. So, इस तरह के लोग आपको बड़े कम मिलते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री जिस तरह की ट्रिकी है ना. अच्छा, मेरी लाइफ में तो कोई 4-5 लोग हैं जिनका मुझे सुनाई देता है. लाइक एक होता है ना बहन, हाँ, और मेरे कुछ एक दोस्त, मतलब जिनका मुझे सुनाई देता है. अदरवाइज आप मुझे 10 घंटे बैठ के. शोबिज में कोई ऐसा है जिसके मशवरों पे अमल करती हो? शोबिज में कोई ऐसा है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे कोई मशवरे नहीं होते हैं, लेकिन काम से रिलेटेड. जैसे कि मैं कहूँ कि अब मुझे ये वाला सीरियल नहीं करना, या मैं ये नहीं चाहती, मैं इतने एपिसोड वाला नहीं करी. मतलब आजकल तो मैं असद भाई के साथ करती हूँ, अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी उनका भी. तो ये कि मशवरा मेरी बहन होती है बस ज़्यादा, या मम्मा होती हैं, वो उतना होता है. लेकिन जो इंडस्ट्री से कुछ एक लोग हैं जिनकी मुझे सुनाई दे जाती है, वो मैं कह रही हूँ ना, वो चंद एक लोग हैं. अदरवाइज आप पूरा दिन मुझे सुना रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये मुझे नहीं सुनाई दे रहा. मैं बैठी हूँ चुप करके, ना मैं हाँ करूँगी ना मैं ना करूँगी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. बस एक चंद लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो मैटर करते हैं, और मेरे लिए हमेशा वही मैटर करेंगे, और बाकी कुछ भी नहीं. बस मुझे एक मसला कि मेरे अब्बा का इसमें कार्ड डलवा दें. बहुत लड़ाई आज. सबसे पहले अपने अब्बा का बोला था. मैं तैयारी करके आया हूँ भाई. मैं तैयारी करके आया हूँ. This is super funny. मेरे अब्बा का इसमें कार्ड डलवा दे, वरना घर में हो जाएगा झगड़ा. तुमने भेजा था मेरी बेटी. तुम्हें ये कहना चाहिए तुम्हें ये कहना चाहिए था वो अब्बा वाला कार्ड कहाँ गया यार. एग्जैक्टली मैंने बोला था, मुझे नजर नहीं आया. रिमशा का पहले आ गया, बाबा का आया नहीं. अगला बाबा का होगा. ओके भाई, हाँ जैन, तुम्हारी बारी. अच्छा, ओके 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 ओके. बेगम. आहा, ये तो भाई आज अपने पूरे नंबर बढ़ाने आए हैं. बेगम पूरे, अभी सांस भी निकलेंगी मुझे कंफर्म है. नहीं नहीं सांस नहीं. यार नंबर क्यों बढ़ाने हैं भाई, मतलब जिन लोगों से मशवरे लेते हैं, शौहर बीवियों से मशवरे लेते हैं और मानना पड़ता है. आज इसको अच्छा खाना मिलेगा. मशवरे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हम तेरे साथ हैं. सना लाहौर में है तो इस मैं देख लें, दूरी होने के बावजूद मैं जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ. अच्छा, मशवरे ये हैं कि अच्छा, हम दोनों की पर्सनैलिटीज में लाइक वी आर वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट पीपल. द वन थिंग दैट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट अबाउट हर वॉज हर विजन, हर थिंकिंग, हर ब्रेन, एंड जितनी एजुकेटेड वो है. सो सोचती बहुत ज़्यादा है, कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचती है, बट ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी. And I don't know why I always wanted a wife who is very very educated. पता नहीं क्यों. So वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. But जो एक मशवरा था, लोगों से भी discuss किया, but जिस चीज़ में इसने मुझे सबसे ज़्यादा support किया वो था my decision to move to Karachi from Lahore. ठीक है. उसमें मैं इतना dicey था अनिता, you have no idea. Because मैं इंडस्ट्री में कराची में, स्पेशली कराची में, मैं किसी एक इंसान को नहीं जानता था. अच्छा. किसी एक इंसान को. एंड इट वाज 1 जनवरी 2019 जब हम दोनों कराची आए थे. और हम किसी को नहीं जानते थे. उससे कुछ अर्सा पहले आके मैंने घर का पोर्शन वगैरह देखा, ये वो चीज़ें वीज़ें की. हमने बस सामान भरा, ट्रक भिजवाया 3 दिन पहले और हम आ गए फ्लाइट पर. एंड शी सपोर्टेड मी सो मच, यू हैव नो आइडिया. क्योंकि यहाँ पे ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना सना का कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, ना उसका कोई दोस्त. अरे. और हम थे कि यार बस करना है ये. सो ये वाला जो डिसीजन था और ये जो मशवरा था कि लाहौर में अब चूंकि काम है, जरूर है, बट वो जरा डिफरेंट तरह का है और थोड़ा कम भी होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इंडस्ट्री का. सो कराची इज द हब. और ये बहुत
एक बहुत अच्छी बात भी, क्योंकि बीवियां कहती नहीं नहीं मुझे अपने मैके से दूर नहीं जाना, या नहीं मुझे अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना. बीवियां बहुत इस बात पर लड़ती भी हैं कि शहर नहीं बदलना. सो दिस इज अ बिग सपोर्ट एंड बिग कुर्बानी. और सोने पे सुहागा ये कि हम दोनों को लाहौर बहुत ज्यादा पसंद है. सो और भी कंफर्ट भी है. हां एग्जैक्टली. मुझसे बोलना इधर नहीं रह सकती. बस फिर रोएगी. बस कर दो. फिर रोएगी. एक ब्रेक में भाई एक दफा रोना है तुमने. इतने पैसे दिए थे ना. पहले बंदा नहीं यार. बट मैं अपनी अम्मा मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत मामाज गर्ल हूँ. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. अम्मा को बुला लो ना थोड़े दिन. लड़ाई हो जाएगी. वो मुझे रोज कहती हैं कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ. लेकिन हमारी रूटीन ऐसी है, तो शूटिंग पे ले जाओ. देखो मैंने यही देखा कि बच्चियां यहां काम करती हैं ना, तो मैंने कहा अगर तुम्हें बहुत मम्मा याद आ रही है और तुम नहीं जा सकती तो अम्मा को बुला लो इधर और अम्मा को साथ शूटिंग पे रखा. और पापा कहते हैं मजाक हो रहा है. हाँ. कहती नहीं अम्मा आ रही हैं. हाँ. मैं जाऊंगी उनको लेकर आऊंगी साथ. मैं चाहती हूँ कुछ दिन मेरे साथ. हाँ ना, बहुत जरूरी है. अब्बा को भी जरा रिलैक्स करो. अब्बा प्लीज आने दे.